आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। मृत्यु काल व परिवर्तन की देवी माना जाता है माता कालिका को। काली माता का रूप विकराल भयप्रद है असुरों के लिए। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। काली कालिका या महाकाली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। वे मृत्यु काल और परिवर्तन की देवी है। यह सुंदरी रूप वाली आदिशक्ति दुर्गा माता का काला विकराल और भयप्रद रूप है जिसकी उत्पत्ति असुरों के सहार के लिए हुई थी। उनको विशेषतः बंगाल ओडिशा और असम में पूजा जाता है। काली को शाक्त परंपरा की 10 महाविद्याओं में से एक भी माना जाता है। वैष्णो देवी में दाईपिंडी माता महाकाली की ही है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूलिए। काली माता की उत्पत्ति काल अथवा समय से हुई है जो सबको अपना ग्रास बना लेता है। माता का यह रूप है जो नाश करने वाला है, पर यह रूप सिर्फ उनके लिए है जो दानवीय प्रकृति के है, जिनमें कोई दया भाव नहीं है। यह रूप बुराई से अच्छाई को जीत दिलवाने वाला है। आत्मा काली अच्छे मनुष्यों की शुभेच्छु और पूजनीय है। इनको महाकाली भी कहते हैं। जानिए काली माता शब्द के अन्य अर्थों के बारे में। बांग्ला में काली का एक और अर्थ होता है स्याही या रोशनाई। काली माता का मुख्य मंत्र जानिए। दुर्गा सप्तशती में माता का प्रमुख मंत्र है सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जानिए माता काली की कथा के बारे में। देवराज इंद्र ने एक बार नमुची का वध कर दिया। रुष्ट होकर शुंग निशुंग नामक दो राक्षसों ने उनसे इंद्रासन छीन लिया और शासन करने लगे। इसी बीच माता पार्वती ने महिषासुर का वध किया और ये दोनों उनसे प्रतिशोध लेने को उद्यत हुए। इन्होंने माता पार्वती के सामने शर्त रखी कि वे या तो इनमें किसी एक से विवाह करें या मरने को तैयार हो जाए। माता पार्वती ने कहा कि युद्ध में उन्हें जो भी परास्त कर देगा उसी से वे विवाह कर लेंगी। इस पर दोनों से युद्ध हुआ और दोनों मारे गए। विभिन्न भारतीय धर्मों में काली के बारे में जानिए। सनातन हिंदू धर्म के शाक्त संप्रदाय के अलावा तांत्रिक बौद्ध और अन्य संप्रदायों में भी काली की पूजा होती है। तांत्रिक बौद्ध धर्म में भयानक रूप वाली योगिनियों डाकिनियों जैसे वज्रयोगिनी और क्रोधकाली की पूजा होती है। तिब्बत में क्रोधकाली जिनका अन्य नाम क्रोधिकाली कालिका क्रोधेश्वरी कृष्णा क्रोधिनी आदि है को त्रोमा नगमो कहते हैं। वहीं सिखों के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने चंडी दीवार नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। यूरोप के देशों में संत सारा या सरला काली का जो तीर्थयात्रा होती है वह प्रथा संभवतः मध्य युग में रोमा लोग के साथ भारत से यूरोप गई थी। जानिए कब विकराल रूप में आई माँ काली। माता काली का प्राकट्य असुरों का नाश करने के लिए हुआ था। काली रूप में माता बहुत ही भयंकर वेश धारण किए नजर आती है, इसलिए इनका एक नाम भयंकरी भी है। इनके इस रूप से काल भी कांप उठता है। देवी जब अपने इस रूप को धारण करती है तो इनके क्रोध को शांत करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही तब हुआ था जब देवी का रक्त बीज से युद्ध हुआ था। दो असुर शुंग निशुंग के सेनापति रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरते ही उसके समान हजारों और असुर उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसे में युद्ध में रक्त बीज देवताओं को परास्त करने लगा। जब भी देवता उस पर प्रहार करते तो उसके रक्त से कई और असुर उत्पन्न हो जाते। ऐसे में माता कौशिकी ने देवी काली से कहा कि तुम रक्त बीज के रक्त के अपनी प्यास बुझाओ। फिर माता ने रक्त बीज के शरीर से गिरने वाले रक्त को पीना शुरू कर दिया और उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया। असुर के रक्त को पीकर माता अपनी चेतना को भूल गई और असुर समझकर सभी देवताओं पर भी प्रहार करने लगी। इससे सृष्टि में हाहाकार मचने लगा
और देव के क्रोध के आगे देवता का टिकना हुआ मुश्किल। देवी के क्रोध के सामने किसी भी देवता का टिक पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में सभी देवता अंत में देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की शरण में पहुँचे। देवताओं की प्रार्थना पर सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव उस स्थान पर पहुँचे जहाँ देवी काली रौद्र रूप में हाहाकार मचा रही थी। भगवान शिव चुपके से जाकर भूमि पर लेट गए। देवी काली ने अचानक से अपना पैर शिवजी के सीने पर रख दिया। शिव के सीने पर महाकाली ने जैसे ही पैर रखा उनकी चेतना लौट आई और उन्हें अपराध बोध का एहसास होने लगा। इसी अपराध बोध में देवी की जिह्वा बाहर आ गई और देवी ने दांतों से जिह्वा को दबा लिया। इस तरह ममता में माता काली के क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी को देवी काली के पैरों के नीचे आना पड़ा और देवी काली को दांतों से अपनी जिह्वा को दबाना पड़ा। देश की राजनैतिक राजधानी नई दिल्ली में कालकाजी मंदिर एक लोकप्रिय मंदिर है। कालकाजी मंदिर कालकाजी नामक बसाहट में स्थित है जो देश के प्रसिद्ध लोटस टेम्पल और इस्कॉन टेम्पल के पास है। कहा जाता है कि इस स्थान का नाम कालका माता के नाम पर ही कालकाजी पड़ा। यह मंदिर कालका देवी, देवी शक्ति या दुर्गा के अवतारों में से एक को समर्पित है। अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट पर्वत पर विराजमान कालकाजी मंदिर के नाम से विख्यात कालिका मंदिर देश के प्राचीनतम सिद्धपीठों में से एक है, जहां नवरात्र में हजारों लोग माता का दर्शन करने पहुंचते हैं। इस पीठ का अस्तित्व अनादि काल से है। माना जाता है कि हर काल में इसका स्वरूप बदला। मान्यता है कि इसी जगह आदिशक्ति माता भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हुई और असुरों का सहार किया। तब से यह मनोकामना सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। मौजूदा मंदिर बाबा बालकनाथ ने स्थापित किया था। उनके कहने पर मुगल साम्राज्य के कल्पित सरदार अकबर शाह ने इसका जीर्णोद्धार कराया। जानिए कालकाजी मंदिर के इतिहास के बारे में। कालकाजी मंदिर बहुत प्राचीन हिंदू मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान मंदिर के प्राचीन हिस्से का निर्माण मराठाओं की ओर से सन 1764 ईस्वी में किया गया था। बाद में सन 1816 ईस्वी में अकबर के पेशकार राजा केदारनाथ ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। 20वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली में रहने वाले हिंदू धर्म के अनुयायियों और व्यापारियों ने यहाँ चारों ओर अनेक मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। उसी दौरान इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर रहने वाले ब्राह्मणों और बाबाओं की भूमि पर किया गया है, जो बाद में इस मंदिर के पुजारी बने और यहाँ पूजा पाठ का काम करने लगे। वर्तमान समय में यह दिल्ली शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ की थी इस देवालय में आराधना। माना जाता है कि महाभारत काल में युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ यहाँ भगवती की आराधना की। बाद में बाबा बालकनाथ ने इस पर्वत पर तपस्या की, तब माता भगवती से उनका साक्षात्कार हुआ। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।